नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सबकी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। मैं हूँ दुर्गेश डीके, आपका फ्रेंड। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इतिहास के ऐसे टॉपिक्स की जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आज हम बात कर लेते हैं गुप्त काल में विज्ञान और गणित। गुप्त काल में भारत विज्ञान और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचा। आर्यभट्ट, प्राइमिहर, ब्रह्मगुप्त इस युग के प्रमुख वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ग्रंथों में विज्ञान के नए सिद्धांत की विवेचना की। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है। इसमें इन्होंने आर्यभट्ट का प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टियम है इसमें इन्होंने बताया है कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है, जिसके कारण सूर्य चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट विश्व के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यह स्थापित किया कि पृथ्वी गोल है। आर्यभट्ट सबसे पहले बता देते हैं कि पृथ्वी गोल है। यह था भारत के प्राचीन विज्ञान का पावर। आर्यभट्ट बता देते हैं कि पृथ्वी गोल है। दोस्तों, आर्यभट्ट के ग्रंथ का क्या नाम था? आर्यभट्टियम, जो कि मलयालम में था। आप सब जानते हैं केरल के आर्यभट्ट थे। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इसमें इन्होंने बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, जिसके कारण सूर्य व चंद्र ग्रहण लगता है। आर्यभट्ट का शून्य तथा दशमलव सिद्धांत संसार की एक नई देन थी। आर्यभट्ट ने शून्य और दशमलव सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत है? आर्यभट्ट का शून्य या दशमलव सिद्धांत। संसार के गणितज्ञों में आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट का महत्वपूर्ण स्थान है और हम गुप्त काल की बात कर रहे हैं। आर्यभट्ट गुप्त काल के थे, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं, आर्यभट्ट जी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, आप सब जानते हैं। उनकी विज्ञान कैसी थी? वो भारत को नई ऊंचाइयों पर ले गए। प्राचीन विज्ञान कितना फेमस था, आप सब जानते हैं। दूसरे प्रसिद्ध गुप्तकालीन गणितज्ञ जोसेफ ब्राहमियर थे। अगर देखा जाए, इन्होंने यूनानी और भारतीय ज्योतिष का समन्वय करके रोमन पोलिस के नाम से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इनके 6 ग्रंथ हैं, पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, वृह संहिता, बृह जातक। इस ग्रंथ को विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है, बृह जातक। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। बृह जातक, इस ग्रंथ को विज्ञान और कला का विश्वकोश माना जाता है। और लघु जातक, लघु जातक इनकी पुस्तक है। तो हम किसकी बात करें? पंच सिद्धांतिका, विवाह पटल, योग माया, वृह संहिता, बृह जातक और लघु जातक। यह ब्राहमियर की पुस्तक का नाम है। ब्राहमियर ने ज्योतिष शास्त्र की 3 शाखाओं में विभाजित क्रिया सिद्धांत, क्रियातंत्र, गणित ज्योतिष, होरा, जन्मपत्र संहिता, फलित ज्योतिष। ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकालीन के गणितज्ञ थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का जनक माना जाता है। ब्रह्मगुप्त को गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का जनक माना जाता है। ग्रेविटी का जनक किसे माना जाता है? भारत में ब्रह्मगुप्त को माना जाता है। इन्होंने ब्रह्मस्फुट, खंडवादक और ध्यान ग्रह सिद्धांत नामक 3 प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। अरबी भाषा में इन ग्रंथों के अनुवाद के माध्यम से भारतीय खगोल शास्त्र अरबों तक पहुँचा। ब्रह्मगुप्त ने यह सर्वप्रथम व्याख्या की है, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय या सूर्यास्त होते हैं। कौन कहता है? ब्रह्मगुप्त जी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मुगल कालीन धार्मिक नीति के वन लाइनर फैक्ट। खानवा युद्ध से पूर्व मुसलमानों ने तमका कर से मुक्त कर दिया था। बाबर ने तमका कर से मुसलमानों को मुक्त कर दिया। अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ ने उसे सुलह कुल का पाठ पढ़ाया। अकबर के शिक्षक अब्दुल लतीफ ने अकबर को सुलह कुल का पाठ पढ़ाया था। शेख मुबारक ने मजहर का प्रारूप तैयार किया। इसमें अकबर को अमीर उल मोमिनीम कहा गया है। अकबर को अमीर उल मोमिनीम कहा गया। 2 सितंबर 1579 को घोषित किया गया था। अकबर ने अपनी माता की मृत्यु पर हिंदुओं के समान सिर मुड़वाया। कौन? अकबर हिंदुओं के भांति सिर मुड़वाता अपने माता के मृत्यु पर। अबुल फजल दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। अबुल फजल दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित था। 1612 में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार जहांगीर मनाता है और अपनी कलाई पर राखी भी बंधवाता है। कौन? जहांगीर बंधवाता है, जहांगीर जी बंधवाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि जहांगीर ने जैनियों के धार्मिक उत्सवों और त्यौहारों पर रोक लगाई थी। शाहजहां ने सजदा और जमीन बोस के स्थान पर अभिवादन की चहात तस्लीम की प्रथा शुरू की थी। शाहजहां ने खंभात के नागरिकों की प्रार्थना पर गौवध पर प्रतिबंध लगा दिया। वहीं कविंद्राचार्य के अनुरोध पर प्रयागराज व बनारस में तीर्थ यात्रा कर को हटा देता है। शाहजहां प्रयागराज में, इलाहाबाद में और बनारस में तीर्थ यात्रा कर को हटा देता है कविंद्राचार्य के अनुरोध पर। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक्स की।
तो मथुरा के भव्य केसराव देव मंदिर का निर्माण जहांगीर के समय वीर सिंह देव बुंदेला ने करवाया था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। औरंगजेब ने दीपावली के रात दीपक जलाने और होलिका दहन पर रोक लगा थी। उसने मुसलमानों के मुहर्रम बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। औरंगजेब नक्शबंदी सिलसिले का अनुयायी था, वह शेख मासूम का शिष्य था। अतहर अली के अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या 33.1% हो गई, जबकि अकबर के समय यह 22.5% थी। तो औरंगजेब क्या करता है, जो वीर सिंह देव बुंदेला मंदिर बनवाते हैं उसको औरंगजेब तुड़वा देता है, और वीर सिंह देव बुंदेला द्वारा निर्मित ओरछा के भव्य मंदिर को शाहजहां ने नष्ट करवा दिया था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं शिवाजी की अष्टप्रधान व्यवस्था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज के सलाहकार परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। शासन के कार्यों को सुचारू रूप से लाने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने 8 मंत्रियों के परिषद का गठन किया था, जिसे शिवाजी अष्टप्रधान मंडल कहा जाता था। इस परिषद का प्रत्येक मंत्री अपने विभाग का प्रमुख होता था। अष्टप्रधान परिषद सभी मंत्री शिवाजी के सचिव के रूप में कार्य करते थे। इस परिषद को किसी भी रूप में मंत्रिमंडल की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से ना तो कोई निर्णय ले सकते थे और ना ही नीति निर्धारित कर सकते थे। इनकी भूमिका मात्र सलाहकार की होती थी, और सर्वे सर्वा हमारे वीर शिवाजी महाराज हुआ करते थे, वह सिर्फ सलाह के रूप में मंत्रिपरिषद का निर्माण किए थे अष्टप्रधान व्यवस्था की। अब हम बात कर लेते हैं कौन थे पेशवा। वे मंत्रियों का प्रधान था प्रशासन में, राजा के बाद जिसका सबसे ज्यादा महत्व था वह पेशवा का था, और प्रधानमंत्री भी कहा जा सकता है। अगर हम बात करें अमात, अमात वित्त मंत्री होता था या राजस्व संबंधी मुद्दों के प्रति उत्तरदायी होता था। मंत्री राजा के दैनिक कार्यों का ब्यौरा रखता था। सचिव राजा के पत्र व्यवहार का कार्य करता था। सुमंत विदेश मंत्री था। सेनापति सैनिक प्रधान और पंडितराव दान का अध्यक्ष और न्यायाधीश कानून की रक्षा करता था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाएं। तेनकटिया प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी जमीन के करीब 3.20 भाग पर नील खेती करना अनिवार्य हो गया था। तीन गठिया प्रथा पर फिर बाद में इस पर इसको खत्म कर दिया जाता है, आप सब जानते हैं। दगनी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों को कारीगरों शक्तियों को अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में धन देते थे, तो दगनी कहा जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों कारीगरों को अग्रिम पेशगी संविदा के रूप में धन देते थे। अब हम बात कर लेते हैं कि कमियौटी प्रथा, इस प्रथा के अंतर्गत बिहार उड़ीसा में कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कुर्मी जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर इनकी सेवा करते थे। इस प्रथा के अंतर्गत कमियौटी प्रथा के अंतर्गत जो बिहार उड़ीसा में उनके मालिकों प्राप्त ऋण के आधार पर ब्याज की राशि पूरे बदले भर पूरे जीवन उनकी सेवा किया करते थे। दुबला हाली प्रथा, यह प्रथा सूरत में प्रचलित थी, सूरत यानी गुजरात में प्रचलित थी। इस प्रथा के अनुसार दुबला हाली भूदास अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे। इस प्रथा के अनुसार जो दास होते थे अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक अपने मालिकों को मानते थे, तो वह दुबला हाली प्रथा कहलाया। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रही होगी, नो भी आई होगी तो आप लोग फ्रेंड बनाते कर लीजिएगा। गिरमिटिया प्रथा, भारतीय अनुबंधित श्रमिकों का कैरबियाई द्वीपों में श्रम हेतु जो नियोजन होता था गिरमिटिया प्रथा कहलाता था, इसलिए आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया जाता था, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा था। दोस्तों, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, गिरिमिटिया प्रथा क्या है, एनसीईआरटी का सार है, हमने एनसीईआरटी पुस्तक से उसे उठाया है, तो आप लोगों के एग्जाम दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लिए होंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, गिरिमिटिया क्या है, तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। रेजिडेंट, गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था, उसे राज्य में तैनात किया जाता था जो अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था। वह अंग्रेजों के प्रत्यक्ष शासन के अंतर्गत नहीं था, एक औपचारिकता के रूप में रेजिडेंट होता था। रेजिडेंट गवर्नर जनरल के प्रतिनिधि को कहा जाता था। औपनिवेशीकरण, जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता था। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एनसीईआरटी सार में
1857 की क्रांति। 10 मई 1857 का दिन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन था। 10 मई के दिन दोपहर के पश्चात मेरठ छावनी में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। वस्तुतः विद्रोह की शुरुआत एक पैदल सैनिक ने की, किंतु जल्द ही सभी विद्रोहियों के सिपाहियों के साथ साथ आसपास के लोग भी उसमें शामिल हो गए। सिपाहियों ने वहाँ के शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। जो शस्त्रागार था जहाँ शस्त्र रखे जाते थे, वहाँ पर हमारे भारतीय सिपाही कब्जा कर लेते हैं। 10 मई 1857 को भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसका उद्घाटन हो जाता है। मेरठ शहर को दिल्ली से जोड़ने वाली टेलीग्राफ लाइन काट दी गई। फिर सिपाहियों का एक दल दिल्ली की तरफ चल पड़ा और 11 मई को तड़के लाल किले के फाटक पर पहुंचा। वहां पहुंचकर सिपाहियों ने मुगल बादशाह बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए राजी कर लिया। सिपाही मुगल बादशाह बहादुर शाह को विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए राजी कर लेते हैं। दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली में बोलते हैं, आप हमारे राजा बन जाइए, आप हमारे नेतृत्व करिए, जो 1857 की पहली क्रांति हुई थी। तो अब हम बात करें तो विद्रोहियों को बहादुर शाह द्वारा समर्थन देने की खबर जंगल की आग की भांति समूचे भारत में फैल गई। जैसे ही बहादुर शाह समर्थन देते हैं तो यह खबर पूरे भारत में जंगल की आग की भांति फैल जाती है। हालात बहुत तेजी से बदलने लगे। परिणाम स्वरूप गंगा की घाटी की छावनियों पर दिल्ली के पश्चिम कुछ छावनियों में विद्रोह के स्वर तीव्र होने लगे। जैसे ही राजा ने समर्थन दे दिया, भारत का सम्राट अंतिम सम्राट, तो पूरे उनका जो नेतृत्व था वो पूरे देश में फैलने लगा था, लेकिन वो नाम मात्र के ही थे, आप सब जानते हैं। सिपाहियों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग संकेतों के साथ अपनी कार्यवाही आरंभ कर दी थी। कई स्थानों पर शाम को तोप का गोला दागा गया और कहीं बिगुल बजाकर विद्रोह का संकेत दिया गया। सिपाहियों ने सर्वप्रथम शस्त्रागार पर कब्जा किया और सरकारी खजाने को लूटा और उसके पश्चात इन्होंने जेल और तमाम सरकारी इमारतों पर हमला किया और वहाँ स्थित सारे सरकारी दस्तावेजों को जला भी देते हैं। जो भारतीय सैनिक होते हैं वह सरकारी दस्तावेजों को जला देते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब देखा जाए तो अगले बात करते हैं, विद्रोह में आम लोग भी सम्मिलित हुए। फलतः इस का दायरा दिन पर दिन बढ़ता गया। लखनऊ, कानपुर, बरेली जैसे बड़े बड़े शहरों में अमीर और साहूकार विद्रोहियों का आक्रोश के शिकार बने, क्योंकि किसान इन लोगों को न केवल अपना उत्पीड़क बल्कि अंग्रेजों का पिट्ठू भी मानते थे। क्या मानते थे? अंग्रेजों का पिट्ठू मानते थे। झांसी की रानी का बहुत योगदान है दोस्तों, आप सब जानते हैं। इस विद्रोह में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर ये न होती तो 1857 की क्रांति का प्रभाव 1947 की आज़ादी में न पड़ता। तो मई जून के महीनों में अंग्रेजी सरकार के पास विद्रोहियों की कार्रवाई का कोई जवाब नहीं था। एक ब्रिटिश अफसर ने लिखा कि ब्रिटिश शासन ताशे के किले की तरह बिखर गया है। भिन्न भिन्न स्थानों पर विद्रोहों के स्वरूप में समानता का कारण आंशिक रूप से उसकी योजना और समन्वय था। निस्संदेह विभिन्न छावनियों के सिपाहियों में अच्छा संचार बना हुआ था। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। 10 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होती है दोस्तों। अगर देखा जाए इसके बाद क्या होता है, विद्रोह के स्वरूप से यह सिद्ध होता है कि यह योजना बनाकर किया गया विद्रोह था। इस तथ्य की पुष्टि करते हुए इतिहासकार चार्ल्स बॉल ने लिखा कि रेजिमेंट के देसी अफसरों की पंचायतें रात को कानपुर सिपाही लाइनों में जुटती थी, अतः कहा जा सकता है कि सिपाही विद्रोह के कर्ता धर्ता स्वयं ही थे। सिपाही विद्रोह कर्ता धर्ता कौन थे, कौन कहता? चार्ल्स बॉल लिखता है, ब्रिटिश इतिहासकार हैं और ये इतिहासकार लिखते हैं, जानते हैं ब्रिटिश इतिहासकार जितने थे 1857 क्रांति को एक क्रांति की तरह एक विद्रोह मानते हैं। ये लोग जानते हैं तो हम भारतीयों को हमेशा ही नीचे दिखाते थे ब्रिटिश लोग, तो इनकी ऐसी सोच भी थी, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। आप लोग और आगे देख लीजिए, सिपाही इस बात को भली प्रकार समझते थे कि अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए नेतृत्व और संगठन की आवश्यकता था। इसी उद्देश्य से सिपाहियों ने बार बार ऐसे लोगों के शरण में गए जो अंग्रेजों की पूर्व नेताओं की भूमिका निभाते थे। अगर देखा जाए बहादुर शाह, नाना साहेब, झांसी की रानी, जमींदार कुंवर सिंह आदि का नाम लिया जा सकता है, जिसमें झांसी की रानी काफ़ी इंपॉर्टेंट रानी थी, उनका नेतृत्व काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नाना साहेब को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, झांसी की रानी हो गया, बहादुर शाह जी का भी योगदान है, जमींदार कुंवर सिंह जी का भी योगदान है इस विद्रोह में। लेकिन विद्रोह पूरे देश में नहीं फैल सका, आप सब जानते हैं। उत्तर भारत में काफ़ी फेमस था, दक्षिण भारत की तरफ यह विद्रोह नहीं जा सका था। 1857 क्रांति अगर यह विद्रोह अगर अच्छा हुआ होता तो भारत को आज़ादी 1857 में ही मिल जाती, लेकिन कुछ ऐसे गद्दार थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। कानपुर के सिपाहियों और आम लोगों ने मिलकर पेशवा बाजीराव द्वितीय के उत्तराधिकारी नाना साहब को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर
कर दिया। इसी प्रकार से झांसी में रानी लक्ष्मीबाई बिहार के आरा स्वर्गीय सॉरी स्थानीय जमींदार कुंवर सिंह और लखनऊ में नवाब के युवा ब्रजेश कद्र को विद्रोह में तक संभालने के लिए मजबूर किया गया। तो आप लोग दोस्तों इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। कई स्थानों पर किसानों जमींदार आदिवासियों को विद्रोह के लिए स्थानीय नेता प्रेरित करते रहे थे। शाहमहल ने बड़ौता परगना के अंतर्गत आने वाले गांवों को संगठित किया और छोटा नागपुर स्थित सिंहभूम के कोल आदिवासियों के नेतृत्व आदिवासी काश्तकार गोनू ने संभाला था। आदिवासी काश्तकार गोनू ने संभाल लिया था। अगर हम बात करें दोस्तों विभिन्न प्रकार के अफवाहों और भविष्यवाणियों द्वारा लोगों को विद्रोह करने के लिए उकसाया जा रहा था। मेरठ से दिल्ली आने वाले सिपाहियों ने बहादुर शाह को गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूसों के बारे में बताया। उनका कहना था कि यदि वे इन कारतूसों को मुंह से लगाएंगे, स्पर्श करेंगे तो उनके धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। 1857 क्रांति में कारतूसों का भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। गाय और सुअर की चर्बी कारतूसों पर लगाया जाता था। गाय जो कि हिंदुओं पूजनी होती है और जो मुस्लिम होते हैं, तो सुअर की चर्बी उनको दांत से स्पर्श करना पड़ता था, मुंह से लगाना होता था, तब जाकर खींचा जाता था कारतूस। तो इसका एक कारण कारतूस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1857 के विद्रोह में अफवाह जोरों पर था कि अंग्रेज सरकार हिंदुओं और मुसलमानों की जाति धर्म किसी तरह से भ्रष्ट करना चाहती थी। अफवाह फैलाने वालों का कहना था कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर अंग्रेजों ने बाजार में मिलने वाली आटे में गाय और सुअर की हड्डियों का चूरा मिलवा दिया। फलतः लोगों ने आटे को छूने से इनकार कर दिया। कुछ भी कर सकते थे अंग्रेज, थे हिंदू मुस्लिम तो हमेशा करते थे, उनकी देन ही हिंदू मुस्लिम होती है। आप सब जानते अंग्रेज भिड़ाना चाहते थे कि भारतीय एकता ना हो तो लोग भी भड़क जाते थे। तो आज के वर्तमान दौर में हिंदू मुस्लिम एकता काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देश सबसे बड़ा है, भारतीय होना सबसे गर्व की बात है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं 1857 के विद्रोह के इस भविष्यवाणी से बल मिला कि प्लासी की लड़ाई के 100 साल पूरे होते ही 23 जून 1857 को ब्रिटिश राज का अंत हो जाएगा। प्लासी 1857 से बिल्कुल प्लासी की युद्ध हुआ था जिसमें साजिदौला ख़त्म हो जाता है, उसको मीर जफर का पुत्र उसको मार देता है। फिर बाद में 1857 क्रांति 100 साल बाद होती है, तो इसको भी एक जड़ मिला दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं मोहन जोदड़ो का इतिहास। मोहन जोदड़ो सिंधी भाषा का अर्थ है मुर्दों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। यह नगर अवशेष सिंधु नदी किनारे लरकाना जिले में स्थित है। मोहन जोदड़ो शब्द का सही उच्चारण मोहन जोदड़ो है। इसकी खोज राखल दास अभिनाजी ने 1922 में की थी। भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक जॉन मासर के निर्देश पर खुदाई कार्य शुरू हुआ। यहाँ पर खुदाई के समय बड़ी मात्रा में इमारतें धातुओं की मूर्ति मुहरें मिली थी। पिछले 100 वर्षों में अब तक इस शहर के एक तिहाई भाग की खुदाई हो सकी है और अब वह बंद हो चुकी है। माना जाता है कि यह शहर 125 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ था और इसमें जलकुंड भी हुआ करता था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। मोहन जोदड़ो से क्वेश्चन माना जा सकता बन सकता है। मोहन जोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार है। स्नानागार किले दुर्ग के टीले में स्नानागार के उत्तर एवं दक्षिण पूर्व में तालाब में उतरने हेतु 9-9 सीढ़ियाँ बनी थी। 9-9 सीढ़ियाँ बनी थी, आप लोग सीढ़ियाँ देख सकते हैं। इस तरह के एकदम बेहतरीन सीढ़ियाँ बना था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काफ़ी टेक्नोलॉजी क्षेत्र में काफ़ी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। लोग काफ़ी विकसित प्रणाली थी हड़प्पा सभ्यता प्रणाली। आज से 4000 साल पहले की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रणाली थी। मोहन जोदड़ो से प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण धातु निर्मित काश नर्तकी और प्रस्तर की मूर्ति मिली है। 2 चांदी की मुद्रा मिली है। वस्त्र निर्माण और चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य मोहन जोदड़ो से ही मिला है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति, महादेव की मूर्ति कहाँ से मिलती है? पशुपतिनाथ शिव की मूर्ति मोहन जोदड़ो से मिलती है। हमारे शिव जी बहुत अनंत हैं, उनका कोई अंत नहीं, वह शिव हैं, आप सब जानते हैं, महादेव हैं। तो धौलावीरा की बात करें, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले की भचारू तहसील में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में चकपति जोशी ने की, लेकिन इसका व्यापक उत्खनन रविंद्र सिंह बिश्न ने 1990 के नाम किया और यह 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया। मानसर और मानहर नदियों के बीच कादरा द्वीप पर स्थित है। यह मानसर और मानहर कादियों के बीच कादरा द्वीप पर स्थित था दोस्तों। धौलावीरा गुजरात में स्थित है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर देखा जाए धौलावीरा सफ़ेद कुआं बीरक कुआं यह आयता नगर कहलाता है। सफ़ेद कुआं बीरक कुआं यह आयताकार नगर कहलाता है दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं
धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी। धौलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थी। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और भी चीज़ें हम धौलावीरा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर देखा जाए धौलावीरा का प्रकर्ष जलाशय, यह जलाशय आप लोग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, यह जलाशय था धौलावीरा का। और देखा जाए धौलावीरा से बांध निर्माण कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन या वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? आपके धौलावीरा से वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो धौलावीरा से बांध निर्माण कृत्रिम जलाशय, उत्कृष्ट जल प्रबंधन और वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? धौलावीरा से मिलते हैं। धौलावीरा काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर माना जाता है भारत का, और काफ़ी बड़ा भी माना जाता है धौलावीरा को। अगर देखा जाए दोस्तों तो धौलावीरा का प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह धौलावीरा से मिला, धौलावीरा से सबसे बड़ा बंदरगाह भी मिला है दोस्तों। धौलावीरा के उत्तरी महाद्वार के ऊपर लिखे गए 10 अक्षर, 10 अक्षर इस प्रकार थे। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर बात करें जहाँ अनहड़प्पा कालीन नगर दो भागों के किलों तथा निचले नगर में विभाजित था, वहीं धौलावीरा 3 भागों में विभाजित थे। इनमें से 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे। ऐसी दुर्गबंदियाँ नगर योजना अनहड़प्पा कालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती। शासक वर्ग अधिकारी मध्यम नगर में निवास करते थे, जो शासक वर्ग होते थे और अधिकारी मध्यमा नगर में निवास करते थे। धौलावीरा जुलाई 2021 में धौलावीरा को यूनेस्को द्वारा भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं ऋग्वेद में कृषि और पशुपालन। ऋग्वेद काल का मूल आधार पशुपालन और कृषि था। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा 215 बार, गाय की 176 बार और वृषभ की चर्चा 170 बार हुई है। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में फाल का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में मूल आधार पशुपालन कृषि था। ऋग्वेद में अश्व की चर्चा है 215 बार, गाय की 176 बार और वृषभ की चर्चा 170 बार हुई। ऋग्वेद में फाल का उल्लेख भी मिलता है, आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कृषि योग्य भूमि को उर्वरा या क्षेत्र कहा जाता था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रिया का उल्लेख है। ऋग्वेद में कृषि संबंधित 24 मंत्र हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति ना होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था। ऋग्वेद के 4थे मंडल में कृषि संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में कृषि संबंधित 24 मंत्र हैं। भूमि राजा की निजी संपत्ति न होकर उस पर संपूर्ण कबीले का सामूहिक स्वामित्व होता था, जो इसमें राजा की निजी संपत्ति नहीं माना जाता था। आप सब सब जानते हैं मध्यकाल में माना जाने लगा, लेकिन जो प्राचीन काल में ऋग्वेदों में क्या था, वो सामूहिक स्वामित्व होता था भूमि। ऋग्वेद में राजा प्रजा की सुरक्षा से जो अंश देती थी उसको बलि कहा जाता था। ऋग्वेद में राजा प्रजा को सुरक्षा से जो अंश देती थी उसे बलि कहा जाता था। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों और पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। गाय आर्यों का मुख्य आर्थिक आधार था। अधिकांश लड़ाइयाँ गायों और पशुओं के लिए लड़ी जाती थी। गविष्ठी इसको युद्ध का पर्याय माना जाता, जो गविष्ठी होती थी उसको युद्ध के लिए इस शब्द को माना जाता है गविष्ठी। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में कभी पूछा जा सकता है, 100% श्योर है कभी भी पूछा जा सकता। तो गविष्ठी यह इसको युद्ध का पर्याय माना जाता था, जो कि गायों के लिए लड़े जाते थे, गविष्ठी कहलाते थे। अगर देखा जाए गवेषण, गोसु, गब, गम आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त हुए हैं। गाय को मुद्रा की भांति समझा जाता था। गाय को अष्टकारिणी कहा गया है, गाय को अष्टकारिणी कहा गया है। पशु ही इस काल की मुख्य संपत्ति थी, पशु ही इस काल की मुख्य संपत्ति थी। काल लिखा गया लेकिन आप लोग इसे काल पढ़िएगा। पशु ही इस ऋग्वेद काल की प्रमुख संपत्ति थी। गाय को मुद्रा की भांति समझा गया है। गवेषण, गोसु, गब, गम आदि शब्द भी युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी, जिसे समृद्ध रूप से वार्ता कहा जाता था। मौर्यकालीन पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई है। मौर्यों का वित्तीय वर्ष आषाढ़ मास से चालू होता था। अर्थव्यवस्था में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया है, काश्तकार को उपवास कहा जाता था। नेट के एग्जाम में पूछा गया था, अर्थव्यवस्था में भूस्वामी को क्षेत्रक कहा गया, काश्तकार को उपवास कहा जाता था। भूमि पर अधिकार राजा और कृषक दोनों दोनों का था। भूमि पर जो अधिकार था राजा कृषक दोनों का था, तो आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। भूमि पर अधिकार राजा और कृषक का था। राज्य की अर्थव्यवस्था पशुपालन व वाणिज्य पर आधारित थी। मौर्य काल का वित्तीय आषाढ़ मास से चालू होता था। दोस्तों अगर देखा जाए अर्थशास्त्र में प्रणय कर का उल्लेख है, यह एक आपातकालीन कर था। प्रणय कर एक आपातकालीन
कर था, यह 1/3 1/4 तक था। अर्थशास्त्र में कुल 21 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। करमुक्त गांव को परिहारिका कहा गया है, करमुक्त गांव को परिहारिका कहा गया है। जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें अयोधिका कहा गया है, जो गांव सैनिक आपूर्ति करते थे उन्हें अयोधिका कहा गया है दोस्तों। और जो गांव कच्चे माल की पूर्ति करते थे उन्हें कूप कहा गया है, जो गांव कच्चे माल की पूर्ति करते थे उन्हें कूप कहा गया है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आप पुष्पा की तरह फायर करोगे एग्जाम में, झुकोगे नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के सामने मत झुकना, आप लोग आपके एग्जाम में फोड़ देना। ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट और चीज़ हमारे पास है, जैसे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भारत के ग्लैडस्टन की उपाधि से अलंकृत किया गया है। दादा भाई का जन्म महाराष्ट्र में 1825 ईस्वी को हुआ गया है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी थे, और ग्लैडस्टन दादा भाई नौरोजी को कहा गया है। और फिरोज शाह मेहता मुंबई के बेताज बादशाह, फिरोज शाह मेहता मुंबई के बेताज बादशाह माने जाते थे। इनका जन्म मुंबई में हुआ था, महाराष्ट्र में इन्होंने लंदन में भारतीय सभा और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के संपर्क में आकर राजनीति में शामिल हो गए थे। फिरोज शाह मेहता भारत के बेताज बादशाह कहा जाता था इन्हें। और अब हम बात कर लेते हैं एनी बेसेंट आयरन लेडी। अगर देखा जाए एनी बेसेंट आयरन लेडी का नाम से प्रसिद्ध श्रीमती एनी बेसेंट का जन्म लंदन में हुआ था, और इन्होंने भारत में स्वशासन के उद्देश्य से 1916 में होम रूल लीग चलाया था। दो होम रूल लीग हुए, एक बाल गंगाधर तिलक चलाते हैं और एक कौन चलाते हैं, आयरन लेडी। ठीक, अब हम बात एनी बेसेंट यानी कि बाबर 1526 से 1530 उम्र शेख मिर्जा, इनके पिता का नाम, माता का नाम कुतलुग निगार खान है, चगदाई तुर्क थे, राजभाषा फारसी थी। उनकी जो मुख्य लड़ाई है पानीपत के युद्ध 1526, खानवा के युद्ध 1527 और चंदेरी के युद्ध 1528 और घाघरा के युद्ध 1529। दोस्तों अगर देखा जाए तो मुगल कालीन सिक्के, मुगलों ने सोने चांदी तांबे के सिक्के चलाए। मुगल कालीन सिक्के मुख्यतः गोल या वृत्ताकार होते थे, जो मुगल कालीन सिक्के होते थे गोल या वृत्ताकार होते थे। ताजे और नए सिक्के, जो ताजे और नए मुद्रा सिक्के पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के जो चलन में आ रहे थे वे चलानी कहलाते थे। ताजा नए मुद्रा सिक्के और पिछले वर्षों में मुद्रित सिक्के जो चलन में आ रहे थे वे चलानी कहलाते थे। आप लोग इसे अच्छे से नोट कर लीजिएगा। यह सिक्का मुगल बादशाह अकबर का मोहर असीर में ढाला गया था 17 जनवरी 1601 ईस्वी को। खानदेश सल्तनत के रणनीतिक असीरगढ़ किले पर कब्जा करने के उपलक्ष्य में अकबर ने एक बाज के डिजाइन वाला सिक्का जारी किया था। कौन करता, अकबर बाज के डिजाइन वाला सिक्का जारी करता है, साथ ही पीछे टकसाल की तिथि भी जारी करता है अकबर, जो 1601 में सिक्का ढाला गया था। असीरगढ़ का किला जो अकबर के शासनकाल के अंतिम जीत थी, असीरगढ़ का किला। अब हम बात कर लेते हैं मुहर, यह अकबर के शासन के प्रारंभ में चलाया गया सोने का सिक्का था। एक मुहर का मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था, एक मुहर का मूल्य 9 रुपये के बराबर होता था। मुहर का वजन 169 ग्रेन होता था, जो मुहर का वजन होता था वह 169 ग्रेन मुहर का वजन होता था। मुहर मुगल काल का सबसे प्रचलित सिक्का था, जो अकबर का मुहर था वह अकबर के शासनकाल का सबसे प्रचलित सिक्का माना जाता है। अकबर ने शासन के 50वें वर्ष कुछ सिक्कों पर राम सीता की मूर्ति का अंकन करवाया और देवनागरी में राम सिया लिखवाया। अकबर अपने शासनकाल के 50वें वर्ष आखिरी समय में अकबर राम सिया का सिक्का ढलवाता है। अकबर शासन के अंतिम वर्ष 50वें वर्ष। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं, अकबर ने असीरगढ़ दुर्ग की विजय स्मृति में सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल नाम और ढालने की तिथि थी। इसे हम पहले इसका चर्चा कर चुके हैं पहले ही, लेकिन आप लोग इसे एक बार और देख सकते हैं। अकबर ने असीरगढ़ के दुर्ग के विजय की स्मृति में सोने का सिक्का चलाया, जिस पर एक तरफ बाज और दूसरी तरफ टकसाल नाम ढालने की तिथि थी। दोस्तों अगर देखा जाए जो अकबर के सिक्के थे, इलाही सोने का गोल सिक्का जिसका मूल्य 10 रुपये के बराबर होता था, लाल ए जलाली स्वर्ण सिक्का था, लाल ए जलाली भी स्वर्ण सिक्का था। आप लोग लाल ए जलाली जो सिक्का होता था वह भी स्वर्ण सिक्का होता था। जो अकबर के कॉइन्स है काफ़ी प्रचलन में थे और काफ़ी इंपॉर्टेंट में भी माना जाता है अकबर के जो सिक्के थे। अगर देखा जाए तो संसद अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जिसका मूल्य 101 टोला के बराबर था, यह लेन देन में बहुत चलता था। जो संसब होता था, संसब या शहंशाह, अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का जिसका मूल्य 101 टोला के बराबर था। अगर देखा जाए दोस्तों कुछ और सिक्के थे अकबर के, जैसे जलाली हो गया, दाम हो गया, द्रव हो गया, चरण हो गया, पंडाव हो गया,
काला सुखी हो गया। ये सारे सिक्के अकबर अपने शासनकाल के दौरान चलवाता। अकबर के सिक्के, अकबर के अन्य सिक्के जैसे जलाली हो गया, दाम हो गया, द्रव हो गया, चरण हो गया, पंडाऊ हो गया, काला सुखी हो गया। और जो जहांगीर था, जहांगीर ने विभिन्न राशियुक्त सिक्के भी चलाए थे। जहांगीर राशियों के जैसे कुभा हो गया, तुला हो गया, मीन राशि, इन राशियों के सिक्के जहांगीर अपने शासनकाल में चलाता है। और औरंगजेब का जो 176 ग्रेन का सिक्का औरंगजेब ने भी चलाया था। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।